Thug. नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दो बरस मोदी सरकार को जनादेश के हो चले हैं, 16 मई याद कीजिए उस दौर में। लेकिन इस दो बरस में दो बातें कौन सी याद आती हैं? दो चेहरे देखिए, आप समझ जाइएगा। एक तरफ वित्त मंत्री अरुण जेटली, दूसरी तरफ राहुल गांधी। अरुण जेटली ने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें इस दौर में कही कि राज्यसभा का महत्व होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अड़ंगा लगा रहे थे सारे फाइनेंस बिल से लेकर हर बिल के मद्देनजर, और न्यायपालिका सीमा लांघ रही है, वो कहीं ना कहीं विधायिका में घुस रही है। राहुल गांधी ने इन दो वर्षों में भूमि अधिग्रहण रोक दिया तो जीएसटी पर सीधा अड़ंगा लगा दिया। इससे इतर कैसे किन किन मुद्दों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। दो वर्ष में तो हो सकता है बहुतेरे मुद्दे आए, आम लोगों से जुड़े मुद्दे आए, जनता के बीच उठते सवाल नजर आए। 2014 के चुनाव से पहले क्या क्या कहा जा रहा था वह भी याद आए। तो आइए जरा याद किया जाए 16 मई। आज भी 16 मई और दो बरस पहले लौटिएगा तो भी 16 मई। उस दौर में क्या था, इस दौर में क्या है, जरा बीच में खड़े होकर देखिए। ये शोर, ये हंगामा, पटाखों का फटना, नारों की गूंज एक ऐसे जनादेश को लेकर जिसने इतिहास रचा था। ठीक दो बरस पहले बीजेपी हेडक्वार्टर का ये नजारा आज भी कोई भूला नहीं होगा। दो बरस पहले बीजेपी के इसी मुख्यालय पर खूब हंगामा था, कार्यकर्ताओं में बेहद जोश था, नारेबाजी थी और बहुत सी उम्मीदें भी थी। लेकिन ठीक दो बरस बाद यहाँ पसरा ये सन्नाटा कई सवाल खड़े कर रहा है। सरकार संसद में बिल पास नहीं करवा पा रही, पड़ोसियों के साथ रिश्ते भी बहुत सुखद नहीं हैं, महंगाई, बेरोजगारी और काला धन पर सरकार की हथेली खाली है, और इन तमाम मुश्किलों के बीच ही इस वक्त नरेंद्र मोदी खड़े हैं। और संयोग ऐसा कि आज ही के दिन बीजेपी के सामने ये चुनौती बड़ी है कि वो दक्षिण या पूर्व का कोई दरवाजा खोलने की स्थिति में आ पाएगी या नहीं, क्योंकि एक तरफ असम तो दूसरी तरफ केरल को लेकर बीजेपी में आस जगी है। लेकिन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे तो 19 मई को, लेकिन बीजेपी के सामने 2014 के बाद से ही यह चुनौती लगातार है कि अगर वह चुनाव जीत नहीं पा रही तो कहीं ना कहीं उसका ग्राफ गिर भी रहा है, क्योंकि 2015 में बीजेपी की झोली में कोई चुनावी जीत नहीं आई। दिल्ली में केजरीवाल तो बिहार में नीतीश लालू के गठबंधन ने मोदी के जादू को भी फीका कर दिया। इसीलिए 2016 में पहला सवाल तो यही, क्या पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई भी एक राज्य जीत पाएगी या नहीं। हालांकि एग्जिट पोल में बीजेपी का विस्तार भी बंगाल और केरल में नजर आ रहा है, और असम में बीजेपी सरकार बनाती हुई भी नजर आ रही है। और अगर एग्जिट पोल के मुताबिक रिजल्ट आते हैं तो ये बीजेपी ही नहीं बल्कि मोदी सरकार के लिए भी ऑक्सीजन का काम करेगा। लेकिन अगर जनादेश बीजेपी के पक्ष में 19 तारीख को नहीं आते तो बीजेपी ही नहीं बल्कि मोदी सरकार के लिए भी मुश्किल हालात बन जाएंगे, क्योंकि जिन मुद्दों को नारों के साथ बीजेपी ने 2014 में उठाया वह सवालों के घेरे में है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। सबका साथ सबका विकास, यही हमारे काम का मंत्र है। सभी समस्याओं का समाधान एक ही जड़ी बुट्टी में है, उस जड़ी बुट्टी का नाम है विकास। यानी विकास मोदी की फेरिस्त में नंबर एक पर था, जो भूमि अधिग्रहण को लेकर जीएसटी के दायरे में ऐसा उलझा कि सिवाय राजनीतिक टकराव के कुछ भी सामने नहीं आया। और मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास दिल्ली से लेकर बिहार चुनाव में बेअसर साबित हो गया, क्योंकि दलित मुस्लिम का वोट बैंक भी 2014 में मोदी की हवा में बिखर जरूर गया था, और वह बीजेपी के साथ खड़ा जरूर हो गया था, और मोदी के पक्ष में वोट भी डाले गए थे। लेकिन 2015 में वही दलित वही मुस्लिम अपने अपने दायरे में ही सिमटने लगे, तो ना दिल्ली में जीत मिली ना बिहार में। कहीं इनका नाम नहीं है नरेंद्र मोदी जी का, इसका मतलब। तो इसी दौर में दादरी में अखलाक की हत्या से लेकर भारत माता की जय के राष्ट्रवाद तले सामाजिक राजनीतिक तौर पर भी टकराव ही पैदा हुआ। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? इस देश में कानून है कि क्या हम तो ना खूबी कर सकते।
तो सवाल सिर्फ टकराव का नहीं बल्कि सवाल तो दो बरस पहले के इस जोश, हंगामे, उत्साह, नारों का, जिसने 16 मई 2014 को ही दिन में दिवाली, होली सब मना ली थी और दो बरस बाद इसी दिन आज एक सन्नाटा है। सवाल यह नहीं कि आज जश्न मनना चाहिए या नहीं मनना चाहिए, सवाल यह भी नहीं कि क्या इस दौर में बहुत कुछ बदल गया है। दरअसल इस दौर ने कई मुद्दों को जन्म ले लिया जो इससे पहले भारतीय राजनीति में थे नहीं। जरा आइए उस आसरे भी टटोल लें, 16 मई का महत्व क्या है। भूमि अधिग्रहण पर यूटर्न, जीएसटी पर साथ नहीं, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर किरकिरी, रोहित वेमुला की खुदकुशी पर दलित आक्रोश, भारत माता की जय तले राष्ट्रवाद का मुद्दा और कन्हैया पर लगे राजद्रोह से निकला आजादी का सवाल। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे सवाल जिस पर मोदी सरकार, बीजेपी और संघ परिवार सभी एक ही लकीर पर चलते दिखे, तो विपक्ष अपनी अपनी गठबंधन बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस का दिखाई दे गया। दिल्ली में जेएनयू के परिसर में राहुल गांधी के भाषण में लाल सलाम के नारे भी लगे, और तो और नीतीश कुमार को भी लगने लगा कि उनकी राजनीतिक जमीन अब संघ परिवार मुक्त भारत में बचेगी, तो उन्होंने भी नारा कुछ इस तरह लगा दिया। कॉमन हो गया वह मोदी सरकार का विरोध या संघ परिवार का विरोध, यानी जनता से जुड़े मुद्दों से इतर मोदी सरकार की राजनीतिक सफलता मानी जा सकती है कि वो हर राजनीतिक दल के विरोध के केंद्र में आ गई। लेकिन सवाल तो जनता का और बीजेपी सत्ता में और मोदी सरकार के सामने हर मुद्दे पर अगर सड़क और संसद पर राजनीतिक दलों से टकराना पड़ा तो फिर जनता के सामने जो मुद्दे आएंगे उसे राजनीतिक तौर पर कोई सुलझाए या ना सुलझाए, लेकिन सियासी घाटा सत्ता को ही होगा। और असर इसी का कि दो बरस की सत्ता के दौर में काले धन में रियायत का सवाल बड़ा हो गया, महंगाई बेलगाम है या लोग सोचने लगे, रोजगार हाशिए पर चले गए हैं ये सवाल उठने लगे, और वह सवाल महत्वपूर्ण होते चले गए जिन मुद्दों ने सरकार की फजीहत देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में कर दी। मसलन माल्या के भागने से लेकर चीन पाकिस्तान का सीमा पर बढ़ता दखल और आतंकवादी घटनाओं पर आरोपियों को मिलती क्लीन चिट, यानी दो बरस पूरे होने के दौर में राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक तौर पर कई सवाल न सिर्फ अनसुलझे हैं बल्कि कोई उसे सुलझा ले इस दृष्टि से एक बड़ी शून्यता हर किसी को दिखाई देने लगी है, और ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए मुश्किल का सबब है। जाहिर है सवाल देश के भीतर नहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर भी है, लेकिन हम उस रिपोर्ट पे आए, लेकिन उससे पहले एक दूसरा सवाल इसलिए क्योंकि जब आप मुद्दों को जन्म देते चले जाते हैं, समाधान का रास्ता नहीं निकल पाते हैं, तो आसरा एक ही बसता है, चुनाव में जीत मिल जाए। और शायद इसीलिए एक रिपोर्ट आई गुजरात को लेकर और ये बहुत कुछ कह गई। पटेलों के इसी आंदोलन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ा दी थी, और उसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे विश्वस्त ओम माथुर को गुजरात की जमीन टटोलने के लिए लगाया, क्योंकि आनंदीबेन भी पटेल है। तो क्या अमित शाह का दांव गुजरात में खेलना पड़ेगा या फिर वहीं के नितिन पटेल को सीएम की कुर्सी पर बैठाकर पटेल समुदाय के गुस्से को थामा जा सकता है? तो जो ओम माथुर 2004 से लगातार गुजरात के प्रभारी रहे, उन्हें ही जब प्रधानमंत्री ने गुजरात का हाल जानने के लिए लगाया और जो रिपोर्ट सामने आई उसने पहली बार इसके संकेत दे दिए कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में सीएम को बदलना होगा, क्योंकि ओम माथुर की रिपोर्ट तीन मुद्दों को उठाती है। पहला, पाटीदार समुदाय को आनंदी पटेल से गुस्सा है। दूसरा, राज्य सरकार और संगठन में तालमेल नहीं है, पाटीदार समुदाय को निर्णय लेने वाले पद देने होंगे। तो सवाल यही कि ओम माथुर की रिपोर्ट इसलिए सामने लाई गई जिससे गुजरात में सीएम बदला जा सके, या फिर गुजरात को लेकर जो अलग अलग राजनीतिक दांव इस दौर में खेले जा रहे हैं उस पर ब्रेक लगाने के लिए ओम माथुर की रिपोर्ट के जरिए राज्य सरकार और संगठन के बीच तालमेल बैठाने के लिए संकेत दिए गए? हो जो भी, लेकिन पहला और आखिरी संकेत यही निकला कि सीएम अब कोई पटेल ही होगा और आनंदीबेन पटेल की अगुवाई में गुजरात विधानसभा चुनाव बीजेपी नहीं लड़ेगी, यानी आनंदीबेन पटेल जल्द ही हरियाणा या पंजाब में राज्यपाल बना दी जाएंगी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
तो क्या यह मान लिया जाए सियासत एक ऐसी बिसात है जिसमें आप प्यादा इधर से उधर करते रहिए, उसी में वजीर खोजिए, उसी में किसी को प्यादा बना दीजिए, लेकिन सवाल जनता से जुड़े मुद्दे या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्थितियां इस तरीके की विकट होंगी, जरा यह देखिए, क्योंकि दो बरस में क्या पाया क्या गंवाया अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर। तो क्या पड़ोसी नेपाल, चीन और पाकिस्तान में जारी गतिविधियां उस खतरे की सुगबुगाहट है जिस तरफ भारत का भी ध्यान नहीं जा रहा, या फिर सरकार ने तीनों देशों से जो नए संबंध बनाने की कवायद बीते दो बरस में शुरू की वह फेल हो रही है। क्योंकि नेपाल में एक बार फिर मधेशी आंदोलन जोर पकड़ रहा है और नेपाल को लगता यही है कि आंदोलन भारत की शह पर हो रहा है, तो नेपाल के भीतर पैदा होती ये सोच उसे भारत से दूर और चीन के करीब ले जा रही है। पहली बार भारत से ज्यादा आर्थिक मदद नेपाल को चीन से मिल रही है, लेकिन सवाल चीन को लेकर खतरा यह नहीं कि नेपाल से उसकी दोस्ती हो रही है या फिर नेपाल भारत से दूर हो रहा है। मसला तो यह है कि चीन को लेकर जिस तरह पेंटागन भारत को चेताता है कि चीन ने भारतीय सीमा के पास सेना बढ़ा दी है, तो सवाल यह भी पैदा होता है कि जो पेंटागन देख रहा है क्या वो भारत सरकार नहीं देख पा रही, क्योंकि चीन विवादित दक्षिण चीन सागर और अन्य स्थानों पर अपनी समुद्री मौजूदगी बढ़ा रहा है, इसे सरकार भी देख समझ रही है। लेकिन सवाल पेंटागन ने उठाया तो अगले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं और चीन इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तले देखते हुए विरोध करने से भी नहीं चूक रहा। इसीलिए चीन ने कहा पेंटागन को दखल नहीं देना चाहिए और भारत और चीन अपने सीमा विवाद को सुलटा सकते हैं, यानी एक लकीर अमेरिका को लेकर भारत और चीन के भीतर भी खिंच गई, एक दूसरी लकीर चीन के साथ पाकिस्तान को लेकर भी खिंच रही है। क्योंकि एक सच अगर यह है कि भारत समुद्र में चीन का जवाब देने में सक्षम नहीं, तो दूसरा सबब यह भी है कि अगर पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के आतंकवाद को संयुक्त राष्ट्र में भी भारत उठा नहीं पाता। शायद इसीलिए तीसरी परेशानी भी कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद पाकिस्तान से दोस्ती की कवायद करते हैं और दूसरी तरफ भारत के सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल टेस्ट से पाकिस्तान न सिर्फ बौखलाता है, न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने की बात कहता है, बल्कि इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात भी कहता है। हद तो यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान न मिलने के पीछे भी भारत की कूटनीति को ही दोषी माना और कहा यह भी कि अमेरिका भारत को चीन के सामने खड़ा करने के लिए लगातार उसकी हर तरह से मदद कर रहा है। यानी इन सब के बीच पठानकोट हमले की जांच के लिए जो NIA टीम पाकिस्तान जानी थी उसे भी अब ठंडे बस्ते में पाकिस्तान ने ही डाल दिया है। तो सवाल यही, सीमा पर खड़े तीन पड़ोसी एक तरफ भारत के लिए संकट पैदा कर रहे हैं और इसलिए लौट जाइए दो बरस पहले जब तमाम सार्क देश एक लाइन में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे थे। ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के बीच बार बार कुछ दुविधाएं होती हैं। एक दुविधा विजय माल्या को लेकर भी है, जरा देखिए, यह भी टेस्ट केस है, यह भी गजब है। फरार माल्या लौटना चाहते हैं और सरकार कह रही है ला नहीं सकते। माल्या कह रहे हैं उन्हें सुरक्षा और आजादी का भरोसा मिल जाए तो वो भारतीय कानून के मुताबिक लौटना चाहते हैं, और वित्त मंत्री कह रहे हैं देश का कानून तोड़कर भागे माल्या को अपने देश के हिसाब से नहीं बल्कि ब्रिटेन के कानून के मुताबिक वो ला नहीं सकते। They always take a plea that once somebody has entered with legitimate travel documents, they don't then deport the person. तो विजय माल्या अनूठा केस है, क्योंकि उनकी सारी संपत्ति बेच भी दी जाए तो भी बैंक का कर्ज चुकता नहीं होगा और माल्या बैंकों से सेटलमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने 6,868 करोड़ का ऑफर कर चुके हैं, लेकिन बैंकों को ये मंजूर नहीं क्योंकि कर्ज तो 9,000 करोड़ से ज्यादा का है। लेकिन उलझन माल्या को लेकर ही नहीं बल्कि माल्या जैसे 6,000 से ज्यादा उद्योगपतियों की फेरिस्त भी है और बैंकों से लिया गया 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी है जिसका चुकता हो कैसे इस पर कोई पॉलिसी ही नहीं है बल्कि देश के भीतर टकराव ही ज्यादा है। क्योंकि एक तरफ रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन सरकार की आर्थिक नीतियों को सही नहीं मानते, वही बैंक के कर्ज को लेकर सवाल उठाते हैं, वही काले धन को लेकर सवाल उठाते हैं, तो दूसरी तरफ वित्त मंत्री सरकार चलाने में रघुराम राजन से
सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और असर इसी का कि काले धन से लेकर बैंक कर्ज को भी रघुराम राजन सही नहीं मानते, तो दूसरी तरफ वित्त मंत्री काला धन रखने वालों को सेफ पैसेज की वकालत करते हैं। राजन बतौर गवर्नर चाहते हैं कि अभी वो इस पद पर बने रहें, जिससे और भी कुछ काम कर सके, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के ही सांसद नहीं चाहते कि वो इस पद पर बने रहे, क्योंकि उन्हें लगता है देश के भीतर जो भी गड़बड़ी है उसकी वजह रघुराम राजन ही है। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो उसको जितना जल्दी छुट्टी करके वापस शिकागो भेज सकते हो तो भेजना चाहिए। तो देश के वित्त मंत्री भी इस बाबत कोई जवाब देना ही नहीं चाहते। What appears in the media, you should give much credence to. जी, लेकिन सवाल सिर्फ 16 मई का नहीं है, सवाल तो बिहार सरकार का भी है, जिसे भी चुने हुए 6 महीने हो चले हैं, लेकिन इस 6 महीने में पहली बार कटघरे में सुशासन बाबू। तेवर देखिए, तलखी देखिए। कि आप इंटेंशन की बात करिए, अगर पुलिस की कोई कुताही हो तो आप उसको बताइए। साहब देखिए, इस मामले में मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आई टेल यू लास्ट सेंटेंस, चारों तरफ छापे मारी और तब इसको कितना दिन बच के जाएगा। तो जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी फरार है और सिवान में पत्रकार हत्याकांड में दोषी का आता पता नहीं, यानी कटघरे में नीतीश की सुशासन बाबू की छवि है। लेकिन नीतीश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो खुद की कमीज उजली बताने के लिए दूसरों की कमीज गंदी बताने का फार्मूला ही चुना। इतने तो वीआईपी हैं, कितने दिन से भागे हुए हैं 9,000 करोड़ रुपया लेकर के। इन विजय माल्या केस, आर यू ब्लेमिंग सेंट्रल गवर्नमेंट? यानी विजय माल्या का नाम लेकर नीतीश केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, या फिर जंगल राज की बात करने वालों को बता रहे हैं कि अगर यहाँ जंगल राज तो वहाँ क्या। लेकिन नीतीश यह नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर मनोरमा देवी एमएलसी होते हुए फरार कैसे हो गई और सरकार को कुछ भी अता पता क्यों नहीं है। और ऐसे में पत्रकार सवाल पूछे तो किससे पूछे, और अगर नीतीश ही जवाब नहीं देंगे तो जवाब देगा कौन, क्योंकि कानून राज के लिए वोट तो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को ही दिया था, ना कि पुलिस को। बगैर इन चीजों से प्रभावित हुए गंभीरता पूर्वक और निष्पक्षता पूर्वक और बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी दबाव के, हम अपना काम करते ही काम।